बीच बढ़ते आगे बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला। कृष्ण कूप की पूजा को लेकर याचिका दायर की गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है अर्जी। महेंद्र प्रताप सिंह ने उठाई है पूजा की मांग और ईदगाह की सीढ़ी के पास कृष्ण कूप का दावा किया गया है। होली के बाद होती है कृष्ण कूप की पूजा और मस्जिद कमेटी के लोग पूजा विरोध करते हैं। 13 मार्च को हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला है। कृष्ण कूप की पूजा को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल हुई है। महेंद्र प्रताप सिंह ने पूजा की मांग उठाई है इस अर्जी के जरिए। ईदगाह की सीढ़ी के पास कृष्ण कूप का दावा किया गया है और होली के बाद यहां कृष्ण कूप की पूजा होती है, जिसकी मांग की गई है इस अर्जी के जरिए। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुफरान, अभी अलग तरीके की मांग उठ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिसके जरिए पूजा की मांग उठाई गई है, कृष्ण कूप का दावा किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि है जहाँ का विवाद जो है कई अलग अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में पहले से ही चल रहा है, हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, उसी में एक मामला एड ऑन हुआ है जो कृष्ण कूप का है। वो ये है कि जो शाही ईदगाह परिसर है उसकी जो सीढ़ियां हैं उसके पास ये दावा किया गया है कि कृष्ण कूप है और उसकी जो पूजा अर्चना है लंबे अरसे से होती आ रही है और हर साल होली के बाद वहां पर बड़ी संख्या में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे में तमाम व्यवधान उत्पन्न करता है मुस्लिम समाज, लिहाजा हाईकोर्ट इसकी अनुमति दे और उसको संरक्षित करे, इस तरीके की मांग जो है हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके की गई है। और बहुत मुमकिन है कि अगली जब सुनवाई 13 मार्च को हाईकोर्ट करेगा इस मामले को लेकर के भी हाईकोर्ट अपना आदेश जो है वो पारित कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गुफरान इस जानकारी के लिए। तो 13 तारीख को जब सुनवाई होगी तो इस दौरान माना जा रहा है कि इस पर भी कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है।